मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। गॉडफादर नहीं है सलमान, नहीं चमकी डेब्यू स्टार की किस्मत। बॉलीवुड के गॉडफादर कहे जाने वाले सुपरस्टार सलमान खान ने अब तक तमाम सितारों को लॉन्च किया है, हालांकि इनमें से कोई भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सका। सलमान खान प्रोडक्शन की फिल्म नोटबुक से प्रनूतन बॉक्स ऑफिस पर एंट्री लेने जा रही हैं। इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिलने की अटकलें हैं। प्रनूतन बॉलीवुड एक्ट्रेस नूतन की पोती हैं। जहीर भी सलमान खान की फिल्म नोटबुक से ही बॉलीवुड में एंट्री लेंगे। जहीर सलमान के बचपन के दोस्त इकबाल रत्नासी के बेटे हैं। प्रनूतन और जहीर दोनों की किस्मत का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। सलमान खान ने अपने जीजा आयुष शर्मा को फिल्म में लव यात्री से लॉन्च किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं कर पाई और फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म दबंग का तीसरा पार्ट साल 2020 में रिलीज होने जा रहा है। खबरों की माने तो सलमान इस फिल्म से महेश मांजरेकर की बेटी अश्वमी को लॉन्च करने जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को सलमान ने अपनी फिल्म दबंग के पहले पार्ट में ब्रेक दिया था। सोनाक्षी ने इसके बाद बॉलीवुड में तमाम फिल्में की हैं, लेकिन उनकी गिनी चुनी फिल्में ही चल पाई। सलमान ने आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को अपनी फिल्म हीरो से ब्रेक दिया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और सूरज पंचोली का डेब्यू भी फ्लॉप साबित हुआ। फिल्म हीरो से ही सलमान ने आथ्या शेट्टी को लॉन्च किया था। आथ्या सलमान की पुराने दोस्त सुनील शेट्टी की बेटी हैं। आथ्या भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। सलमान खान के साथ फिल्म में डेब्यू करने का मौका मिला एक्ट्रेस जरीन खान को। हालांकि जरीन बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं और उन्हें छोटी फिल्मों के साथ ही सबर करना पड़ा। डेजी शाह को भी सलमान खान ने बॉलीवुड में चांस दिया था। डेजी सलमान की फिल्म तेरे नाम के गाने लगन लगी में गो डांसर थी। सलमान ने डेजी को अपनी फिल्म जय हो में बड़ा ब्रेक दिया था। एक्ट्रेस स्नेहा उलाल सलमान खान के साथ फिल्म लकी में नजर आई थी, हालांकि इसके बाद स्नेहा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। महिलाओं से जुड़ी वे 5 फिल्में जिनके कंटेंट पर मचा था बवाल। भारत में महिलाओं पर कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो विवादों में रही हैं। इन फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बोल्ड कंटेंट के कारण कई फिल्मों को बैन तक कर दिया था। फिल्म बैंडिट क्वीन को अपने कंटेंट के चलते भारत की सबसे हार्ड हिटिंग और विवादित फिल्मों में शुमार किया गया। एक दलित महिला कैसे उच्च जाति के लोगों द्वारा गैंगरेप होने के बाद बैंडिट क्वीन बन जाती है, इसे फिल्म में दिखाया गया है। अनफ्रीडम मॉडर्न डे थ्रिलर है जो लेस्बियन रिश्तों पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में इस्लामिक आतंकवाद का भी बैकड्रॉप है। एक ही फिल्म में दो विवादित मुद्दों के चलते ही सेंसर बोर्ड ने अब तक इस फिल्म को रिलीज नहीं किया। विवादित फिल्मों की कड़ी में वाटर का नाम भी शुमार है। इस फिल्म में समाज से निष्कासित की गई महिलाओं और नारी द्वेष जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात की गई। मीरा नायर द्वारा निर्देशित फिल्म कामासूत्र को भी सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था। इस फिल्म को उसी देश में अश्लील और अनैतिक करार दिया जहां से कामसूत्र की शुरुआत हुई थी। ऐसे में इस फिल्म के साथ हुई त्रासदी को बड़ी विडंबना भी बताया गया। दीपा मेहता को भारत की सबसे प्रतिष्ठित निर्देशकों के तौर पर शुमार किया जाता है। उन्होंने फायर से क्रिटिक्स का समर्थन हासिल किया था, लेकिन ये फिल्म सेंसर बोर्ड के गले नहीं उतर पाई और समलैंगिक रिश्तों पर आधारित इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था। टीवी इंडस्ट्री पर राज करने वाले ये टॉप 10 टीवी स्टार्स। इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक समय बिताने के बाद रवि हमेशा अपने करियर में शीर्ष पर रहे हैं। पहला शो श्री तेरी कहानी या अन्य परियोजनाओं जैसे सास बिना ससुराल और जमाई राजा है। अभिनेता ने नॉन फिक्शन की दुनिया पर भी विजय प्राप्त की है, जैसे फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 8, एंटरटेनमेंट की रात। अभिनेता वर्तमान में सारेगामा पार लिटिल चैंप्स की मेजबानी कर रहे हैं। शरण मल्होत्रा ने अपने करियर की शुरुआत 2004 में भारत के सर्वश्रेष्ठ सिने स्टार की योजना से की थी और वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनके अंतिम 3 शो बनू मैं तेरी दुल्हन, महाराणा प्रताप और कसम तेरे प्यार की ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनका वर्तमान शो मुस्कान भी दर्शकों के बीच पसंदीदा रहा है। हिना खान को सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में अक्षरा के रूप में उन्हें याद किया जाता है। वह निश्चित रूप में बिग बॉस की स्टाइल दीवा भी रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शो में नए नए नाइट सूट का फैशन ट्रेंड सेट किया है। हिना ने कसौटी जिंदगी 2 में एक स्टाइलिश कोमोलिका की भूमिका निभाई और अब वह फिल्मों में नजर आने वाली हैं। ये है मोहब्बते में इशिता भल्ला का किरदार निभाने वाली अदाकारा दिव्यांका त्रिपाठी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर हासिल किए। अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआत बनू मैं तेरी दुल्हन से की और अपने शो के साथ दर्शकों पर काफी प्रभाव छोड़ा। चॉकलेट बॉय अर्जुन बिजलानी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के पीछे किलर पर्सनैलिटी का कारण है। अभिनेता को लेफ्ट राइट लेफ्ट, मिले जब हम तुम, मेरी आशिकी तुमसे ही और नागिन जैसे शो में देखा गया है। अपने बेटे अयान के लिए एक पिता होने के अलावा वह एक साथ 2 शो किचन चैंपियन जिसकी वह मेजबानी कर रहे हैं और इश्क में मर जावां जहां वह दीपराज सिंह की भूमिका निभा रहे हैं।
शाहिद शेख एक अभिनेता हैं जिसने अपने करियर में जबरदस्त वृद्धि हासिल की है। नेवी में अनंत से महाभारत में अर्जुन तक, कुछ रंग में देव और दास्ताने मोहब्बत सलीम, अनारकली में सलीम का प्रतिष्ठित किरदार निभाया है। अभिनेता जल्द ही ये रिश्ते हैं प्यार के में दिखाई देंगे, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्पिन ऑफ है। हिट शो उत्तरण की एक चुलबुली अभिनेत्री टीना दत्ता को कौन याद नहीं रखेगा। न केवल उन्होंने जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की बल्कि उद्योग में अपने लिए जगह भी बनाई। टीना के पास अब शो डायन है। जैस्मिन भसीन को निश्चित रूप से उनके नाम का बहुत श्रेय दिया जाता है। उन्होंने लगातार 3 हिट शो टशने इश, दिल से दिल तक और दिल तो हैप्पी है जी दिए हैं। जैस्मिन ने अलग अलग तरह के किरदार निभाए और अपने अभिनय से पहचान बनाई है। शशांक व्यास यानी जग्या बालिका वधु से एक घरेलू नाम बन गया है और वह अभी भी प्रतिष्ठित भूमिका के लिए जाने जाते हैं। बालिका वधु के बाद जाना ना दिल से दूर में एक पूरी तरह से अलग रूप का किरदार निभाया, जो एक महिलाओं के वर्चस्व वाला शो है। आइए जानते हैं बॉलीवुड स्टार की एजुकेशन के बारे में। आमिर खान आज इंडस्ट्री में 25 से भी ज्यादा सालों से जांच कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आमिर ने किस स्कूल में कब और कहां तक पढ़ाई की है? इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। एक टीवी चैनल पर बातचीत में उन्होंने झेपते हुए कहा कि उनका स्कूल से कभी कोई नाता नहीं रहा। आमिर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए चर्चा में है। आमिर खान के बाद सलमान खान की बात करें तो हम आपको बता दें कि उन्होंने सिंधिया स्कूल ग्वालियर और सेंट स्टिंसा स्कूल मुंबई से निकलने के बाद नेशनल कॉलेज मुंबई में एडमिशन तो जरूर लिया, पर उसके बाद वो कभी कॉलेज नहीं गए। सलमान ने हाई स्कूल तक की ही पढ़ाई की है। इन दिनों केसरी फिल्म में धूम मचा रहे अक्षय की बात करें तो उन्होंने खालसा कॉलेज मुंबई में 11वीं में एडमिशन तो लिया। एक इंटरव्यू में अक्षय खुद कह चुके हैं कि उन्होंने कभी स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। अभिनेत्रियों में कटरीना की बात करें तो हम आपको बता दें कि परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं कि वो कभी स्कूल जा ही नहीं पाई। कटरीना 7 भाई बहनों में से एक है। महज 14 साल की उम्र में ही कटरीना मॉडलिंग करने लगी थी। ऐसे में स्कूल कॉलेज सब कहीं पीछे छूट गया। खूबसूरत अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भी महज स्कूल तक की ही बुनियादी तालीम हासिल की है। उन्होंने सोफिया हाई स्कूल बेंगलोर से पढ़ाई की है। 90 के दशक में छा जाने वाली अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि करिश्मा ने सिर्फ 6ठी क्लास तक की पढ़ाई की है। आलिया भट्ट भी स्कूलिंग से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। कम उम्र से ही फिल्मों में आ जाने के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उन्होंने जमनाबाई नर्सरी स्कूल मुंबई से पढ़ाई की है। 16 साल की उम्र में बेखुदी से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस काजोल भी उन अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्होंने अपनी स्कूल लेवल तक की ही पढ़ाई की है। कंगना रनौत आज जहां है वह मकाम पाने के लिए उन्हें लंबा स्ट्रगल किया है। क्या आप जानते हैं कि कंगना 12वीं क्लास में फेल हो गई थी? उसके बाद से उन्होंने आगे पढ़ने का इरादा भी छोड़ दिया था। बोनी कपूर के बेटे एक्टर अर्जुन कपूर भी 12वीं फेल हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनका भी खूब जलवा है। गोबर सिंह से सेटिंग बाज तक बनी है भोजपुरी फिल्मों के टाइटल। मनोज तिवारी फिलहाल भाजपा सांसद हैं, लेकिन उन्होंने लंबे वक्त तक एक्टिंग और सिंगिंग की है। उनकी एक फिल्म का टाइटल गोबर सिंह था। एक निर्माता ने अपनी फिल्म को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसका नाम रखा। तोहार चुम्मा विटामिन ए है रख दिया। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोये पियरे चढ़ाई बो विश्वनाथ शाहबादी द्वारा 1961 में प्रदर्शित की गई थी। भोजपुरी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की बात करें तो इनमें से ससुरा बड़ा पैसा वाला आती है। भोजपुरी सिनेमा की फिल्म हीरो गमछा वाला साल 2016 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का टाइटल भी भोजपुरी सिनेमा की फिल्मों से सबसे चर्चित टाइटल में से एक है। बात करें यदि भोजपुरी सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों के बारे में तो आम्रपाली दुबे एक भोजपुरी फिल्म के लिए 7 से 9 लाख रुपए फीस लेती हैं। इसके अलावा मोनालिसा नाम से मशहूर एक्ट्रेस अंतरा बिस्वास एक फिल्म के 5 से 7 लाख रुपए लेती हैं। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।